हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर। जी हाँ फ्रेंड्स, ये खुशखबरी है जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है RPF की तरफ से, कॉन्स्टेबल और SI की जो न्यू वैकेंसी आई है उसके रिगार्डिंग। फ्रेंड्स, काफ़ी लंबे समय से बच्चे इंतजार कर रहे थे, आप सब इंतजार कर रहे थे कि फॉर्म ऑनलाइन कब होगा। तो फाइनली RPF यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन दोनों ही पोस्ट के लिए जारी कर दिया गया है और 15 अप्रैल यानी कि आज से फॉर्म ऑनलाइन होना भी स्टार्ट हो चुका है। चलिए इसके रिगार्डिंग डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि टोटल पद कितना है। दोनों ही पोस्ट को मिला के 4660 आपका यहाँ पर पोस्ट रहेगा। कांस्टेबल के लिए 4208 यानी 4208 सीट्स है और सब इंस्पेक्टर के लिए 452 सीट्स रहेगा। कांस्टेबल जो होता है ना, ग्रुप सी की पोस्ट होती है और ये आपका सब इंस्पेक्टर ग्रुप बी की पोस्ट होती है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है फोर्स। आगे बात करें कि अप्लाई कब से कब तक होगा, पहले ही बता चुकी हूँ कि आज से ऑनलाइन हो रहा है और लास्ट डेट आपका 14th of May रहेगा। बट आपको 14th May तक वेट नहीं करना है, जितना जल्दी हो सके आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। फॉर्म की जो फ़ी है ना अप्लाई करने की, जनरल OBC से 500 रुपीज़ लिया जाएगा, SC ST EWS और फीमेल कैंडिडेट से 250। ये फ़ी रिफंडेबल होता है आफ्टर CBT 1, जब आप एग्ज़ाम देते हो ना उसके बाद ये फ़ी आपको रिफ़ंड कर दिया जाता है। 500 में से 400 और 250 का 250 वापस आ जाता है, लेकिन आपको पहले एग्ज़ाम में बैठना है उसके बाद ही, अगर आप एग्ज़ाम नहीं देते हो तो रिफ़ंड नहीं मिलेगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करना चाहते हो दोनों ही पोस्ट के लिए, मैंने अपलोड कर दिया है अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो जाइए वहाँ से डाउनलोड करके थॉरो आउट रीड कर लीजिए। और एक और बड़ी खुशखबरी ये है कि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि किस जोन के लिए अप्लाई करें, ग्रुप A B C, तो इस बार की जो भर्ती आई है ना इसमें ऐसा ग्रुप और जोन कुछ नहीं बताया गया, ऑल इंडिया के लिए वैकेंसी रहेगी। मैंने थॉरो आउट नोटिफिकेशन को रीड किया, आप भी रीड करना, और अगर इससे रिलेटेड कुछ नई अपडेट आएगी तो मैं जरूर आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। आगे हम लोग देख ले कि एज की लिमिट क्या रहेगी। तो आपका जो एज है ना, सबसे पहले जानते हैं किस डेट से कैलकुलेशन होगा। 1 जुलाई 2024, मतलब कि 1 जुलाई 2024 के अनुसार सब इंस्पेक्टर के लिए 21 वर्ष से 28 वर्ष के कैंडिडेट और कांस्टेबल के लिए 18 से 28 वर्ष। आई होप आप समझ रहे होंगे कि एज ऑन 1st of July 2024 सब इंस्पेक्टर के लिए 21 to 28 ईयर्स एंड फॉर कॉन्स्टेबल 18 to 28 ईयर्स। रिलैक्सेशन भी मिलता है, अपर एज लिमिट में आपको OBC को मिलता है 3 ईयर्स का और SC ST को 5 ईयर्स का। आगे देख लीजिए क्वालिफिकेशन क्या है, दोनों ही पोस्ट के लिए बताऊंगी। सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, मतलब कि आपका आर्ट्स है, साइंस है या कॉमर्स है, तीनों में से कोई भी स्ट्रीम है आप इलिजिबल हो। और ये भी नहीं कि 60% होना चाहिए, बस आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, डिग्री है तो आप इलिजिबल हो। कांस्टेबल के लिए सिर्फ और सिर्फ 10th यानी मैट्रिक पास कैंडिडेट इलिजिबल रहेंगे। चलिए अब दोनों ही पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन प्रोसेस सेम ही होता है। पहले स्टेज पर आपका होता है ऑनलाइन CBT यानी कंप्यूटर आधारित परीक्षा पहले पास करनी होगी। उसके बाद PMT एंड PET, फिजिकल होता है, शारीरिक मापदंड, उसके बाद क्षमता का यहाँ पर आपका देखा जाता है। फिर आपका DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल होगा, तब जाके मेरिट लिस्ट में नाम आएगा और ज्वाइनिंग लेटर सेंड किया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं सिलेक्शन की प्रोसेस को। पहले स्टेज पर जो ऑनलाइन एग्जाम होता है उसमें 120 क्वेश्चंस होते हैं 120 मार्क्स के लिए, विच मीन्स कि एक क्वेश्चन के लिए एक नंबर मिलता है। समय जो है 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का रहता है। निगेटिव मार्किंग भी रहेगा 1/3 का, सो बी अवेयर। अब सब्जेक्ट वाइज बात की जाए तो रीजनिंग से होंगे 35 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से 35 क्वेश्चन और GK और करेंट अफेयर्स को मिलाकर सबसे इम्पॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है। देखिए 50 क्वेश्चन आपको GK और करेंट अफेयर्स के होंगे, तो ज़्यादा आपको ध्यान इस पर देना है। अगर आपका GK GS वीक है तो उस पर वर्क करिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्द कंडक्ट कराया जाएगा। अब जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हो तब आपका फिजिकल होता है। तो चलिए मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए दोनों पोस्ट का बताऊँगी। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जो आपका हाइट का मेजरमेंट होता है
मेल कैंडिडेट के लिए 165 यानी 165 सेंटीमीटर, SC/ST के लिए 160 सेंटीमीटर रहेगा। फीमेल्स में है जो आपका जनरली 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, SC/ST के लिए 152 सेंटीमीटर। उसके बाद रनिंग होता है, तो पहले सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए बता दूं कि मेल का 1600 मीटर का रनिंग होगा, 6 मिनट 30 सेकेंड में उनको कंप्लीट करना है। फीमेल्स को 800 मीटर की रनिंग 4 मिनट में कंप्लीट करना है। रनिंग कॉन्स्टेबल के लिए आपका सेम ही मेल का है 1600 मीटर, बस टाइमिंग आपका अलग है, 5 मिनट 45 सेकेंड। फीमेल्स का यहाँ पर कॉन्स्टेबल की पोस्ट के लिए 800 मीटर की रनिंग होगी, 3 मिनट एंड आपका 40 सेकेंड में कंप्लीट करना है। फिर लॉन्ग जंप होता है, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए मेल का 12 फीट, फीमेल का 9 फीट, और कॉन्स्टेबल की पोस्ट के लिए मेल का 14 फीट और फीमेल्स का 9 फीट। लास्टली आपका हाई जंप होता है, तो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए मेल कैंडिडेट का 3 फीट 9 इंच और फीमेल्स का 3 फीट रहेगा। हाई जंप जो होता है ना कॉन्स्टेबल के लिए, मेल कैंडिडेट का 4 फीट एंड फीमेल का 3 फीट रहेगा। तो ये तो ओवरऑल इसका बेसिक डिटेल हो गया। एग्जाम सेंटर की अगर बात करूँ ना, तो ऑल ओवर इंडिया में रेलवे की तरफ से आपका एग्जाम सेंटर ऑर्गेनाइज किया जाता है। आप अपना नियर बाय सिटी चूज करोगे, वहीं पर एग्जाम का सेंटर देगा। रही बात जॉब के लोकेशन की, तो ऑल ओवर इंडिया में रहेगी। सर्व करोगे तो सर्विस के दौरान आपको क्या सैलरी दी जाएगी, आइए मैं बता देती हूँ। पहले देखिए कांस्टेबल की पोस्ट के लिए 21,700 से शुरुआत होता है, बाद में आपको जब सैलरी बढ़ती है ना, तो 69,100 मतलब कि 70,000 के करीब पर महीने की सैलरी आपकी बाद में हो जाती है। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए 35,400 से शुरुआत होती है, आफ्टर पर्क्स एंड अलाउंसेस पर ईयर की जो इंक्रीमेंट होती है ना, उसके बाद आपकी सैलरी 1,12,400 तक पहुंच जाती है। तो अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी है, आपको अपने एक सीट से मतलब है, तो तैयारी की स्पीड को बूस्ट करिए। आई होप इसके रिगार्डिंग आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अब भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करिए, वहाँ पर आपके क्वेरी को सॉल्व की जाएगी। और हाँ फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो एक लाइक तो बनता है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाइएगा, ताकि सारी नई जॉब अपडेट की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।